हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉ से यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे व्यूवर मुझसे बोलते हैं कि कोई भी तत्काल टिकट सॉफ्टवेयर या तत्काल टिकट एजेंट से रिलेटेड न्यूज़ हुआ करे, आप सबसे पहले मुझ तक पहुंचाया करिए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं दो लेटेस्ट अपडेट। पहला लेटेस्ट अपडेट जो होगा, IRCTC के नाम से ठगी हो रही है उसके बारे में होगा। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा, वो कहां पर पकड़े गए हैं तत्काल एजेंट, उसके बारे में होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है आपको, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे तो पहले प्यार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले लेटेस्ट अपडेट की। पहला लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, IRCTC के नाम से ठगी हो रही है उसके बारे में निकल कर आ रहा है। तो यहां पर दो ठगी हो रही है। पहली ठगी तो आप सभी लोग को पता होगा, पहली ठगी ये है कि जैसे कि आप टिकट अपना कैंसिल करते हैं और सोशल मीडिया पर अपना PNR नंबर शेयर करते हैं या फोन नंबर शेयर करते हैं, तो कोई फ्रॉड पर्सन आपको फोन करता है, आपके अकाउंट की डिटेल मांगता है, आप दे देते हैं, उसके जरिए फ्रॉड हो जाता है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन दूसरा फ्रॉड काफी ज्यादा जबरदस्त सामने निकल कर आ रहा है, यहां पर समस्तीपुर का मामला है। समस्तीपुर में कई युवकों के पास, जो बेरोजगार युवक थे, उनके पास मेल आता है कि IRCTC में क्लर्क की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर उनसे बताया गया कि जैसे प्राइवेट ट्रेन IRCTC चलाने जा रहा है, मतलब कि रेलवे का आधा हिस्सा अब IRCTC का हो जाएगा, तो IRCTC अब भर्ती भी करेगा, इस तरह का मेल आया। अब वहां पर मेल आने के बाद युवक जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, और वहां पर कोई भी डिमांड करने से पहले खैर उन्होंने एक काम कर लिया कि IRCTC को कॉल किया या कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा मेल आया है मुझे, तो IRCTC ने यह साफ कर दिया कि कोई भी क्लर्क की भर्ती हम लोगों ने नहीं निकाला है, कोई भी क्लर्क की भर्ती निकलेगी तो आपको मेल के जरिए नहीं बताया जाएगा, आपको IRCTC वेबसाइट के जरिए बताया जाएगा। तो वहां पर युवकों ने काफी ज्यादा सावधानी बरती और कोई भी फ्रॉड होने से बच गए। तो दोस्तों, इस तरह का ईमेल आपको भी आ सकता है, अगर आएगा तो उसका रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि IRCTC क्लर्क की कोई भी भर्ती होगी तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, धनबाद से निकल कर आ रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन के पास एक शॉप थी, वहां से दो एजेंट गिरफ्तार हुए तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम, तत्काल टिकट बुक करते हुए। अब यहाँ पर ये कैसे पकड़े गए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गांधीनगर का एक एजेंट था और वो बनाता था जर्नल टिकट, रेलवे का जर्नल टिकट बनाता था, और वहाँ पर अपना तत्काल टिकट का भी कोरक धंधा स्टार्ट कर रखा था। उसने बताया कि धनबाद में यहाँ पर ये एजेंट जो हैं ये तत्काल टिकट में लिप्त हैं। जब वो पकड़ा गया तो उसने ऐसा ऐसा बताया। अब यहाँ पर धनबाद में छापेमारी स्टार्ट हो गई, दो एजेंट पकड़ लिए गए। तो इस तरह से भी जो तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो मुखबिरी करके एक दूसरे को पकड़वा देते हैं। तो दोस्तों, तत्काल टिकट का धंधा अभी भी टाइम है, अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। दो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।